मौका मिलेगा तो वोट करेंगे चंद्रशेखर को? वोट देंगे बीएसपी को। आपका पूरा गांव तो बीएसपी का फैन है? बीएसपी का होने दो, अपनी पुरानी धार्मिक चीजों से चल रहे। हमारा युवा संगठन, हाँ बताइए क्या करें? ये हमारा युवा संगठन है, इसलिए हमारे चंद्रशेखर को वोट है। आप बताओ भैया, चंद्रशेखर को देंगे भाई? आप तो वोट काट रहे हो बीएसपी का। राजनीतिक तौर पर अच्छा काम करेगी बीएसपी, आगे युवाओं के साथ रहेगी। मायावती तो नहीं ना आते ना होनी, वो देखो पुरानी प्रथा चली आ रही है बीएसपी, जातिवाद है। बहुत लोग कह रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद के तो वोट ही नहीं है, तो आप युवा हैं इसलिए आपसे मैंने सवाल किया। हम युवा हैं इसीलिए चंद्रशेखर भाई को सपोर्ट कर रहे हैं। तो मैक्सिमम लोगों से बातचीत करने का हम प्रयास कर रहे हैं, कुछ युवा यहाँ पर नजर आ रहे हैं, एक बार बात करेंगे। तो एक बात बताइए, चंद्रशेखर आपके बीच में आ रहे हैं वोट मांगने के लिए, आप युवा हैं इसलिए मैंने यह सवाल आपसे रखा है। युवा उनको अपना आइडल मानते हैं, चंद्रशेखर आज़ाद को। आप भी सब लोग युवा हैं, ऐसे आ जाइए, आप लोग कैमरे में आने चाहिए, आप लोगों के लिए हम लोग आए हैं यहाँ पे। तो उत्तर प्रदेश का युवा जानना चाहता है कि क्या वाकई में चंद्रशेखर आज़ाद के साथ उत्तर प्रदेश का युवा है या फिर नहीं है, तो आपकी क्या राय है? युवा है उसके साथ, युवा साथ में है चंद्रशेखर के। वोट की बात कर रहा हूँ मैं, सामाजिक स्तर की बात नहीं कर रहा हूँ। ना वोट भी है उनके साथ थोड़ी बहुत, ज्यादा स्तर पर तो नहीं पर थोड़ी बहुत है। आपका वोट है? मेरा भी वोट नहीं है। कितनी उम्र है आपकी? मेरी 17 साल। 17 साल, अभी इंतजार करना पड़ेगा 1 साल का है, लेकिन आप सपोर्टर हैं उनके, मौका मिलेगा तो वोट करेंगे चंद्रशेखर को? वोट देंगे बीएसपी को। आपका पूरा गांव तो बीएसपी का फैन है? बीएसपी का होने दो, अपनी पुरानी धार्मिक चीजों से चल रहे। हमारा युवा संगठन, हाँ बताइए क्या करें? ये हमारा युवा संगठन है, इसलिए हमारे चंद्रशेखर को वोट है। आपका वोट है? जी सर। और आपका है? आपका वोट कहाँ जा रहा है? हम तो नंदुचा चाको देंगे बीएमपी को। अच्छा अच्छा, बहुजन मुक्ति पार्टी। अच्छा, आपका इन दोनों से ही अलग है? हम सब से अलग देंगे। आप भी या आपका परिवार भी? पूरा मैं खुद अकेला बस। बाकी आपके घर के जो और वोट है वो कहाँ जाते हैं पता है? उनके मालूम नहीं है। पता नहीं है? आप बताओ भैया। चंद्रशेखर को देंगे भाई, चंद्रशेखर आजाद को। आपका पूरा परिवार या आप? मैं दूंगा। आप देंगे? परिवार तो बीएसपी भी जाएगा, परिवार बीएसपी को। परिवार बीएसपी की तरफ है, फिर आप क्यों जा रहे हैं? कटने दो। तमाम तरह की बातें सामने आई कि चंद्रशेखर की जो पार्टी है वो सिर्फ और सिर्फ बीएसपी को कमजोर करने के लिए बनाया गया है। और हमने पूरे गांव में बातचीत की, आप 3 युवाओं को छोड़कर, बीच में आप तो बीएमपी वाले ना भैया, 3 युवाओं ने कहा कि हम चंद्रशेखर को वोट करेंगे। एक बार जरा जो पूरी भीड़ है, मैं कहूँगा अपने सहयोगी से कि एक बार पूरी भीड़ को दिखा दे। पूरे गाँव में हमने यहाँ पे लोगों से बातचीत की, डोर टू डोर हम लोग गए, सारा जो गांव है छोटे से बड़ा सब जो है वो बीएसपी के सपोर्टर है, चाहते हैं कि बीएसपी सत्ता में आए। लेकिन ये 3 युवा 4 जो युवा बैठे हुए हैं ये चारों बीएसपी के सपोर्टर नहीं है, एक बीएमपी का सपोर्टर है और 3 जो सपोर्टर हैं वो चंद्रशेखर आज़ाद के हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी साफ होता जाता है कि चंद्रशेखर आज़ाद की तरफ युवाओं का झुकाव है। फिर भी इनसे एक बार और बात करेंगे, तो वो झुकाव का कारण क्या ये बताइए, बीएसपी को क्यों नहीं और एएसपी को ही क्यों, ये बताइए। क्यों बताएंगे भैया, आप ही बताइए, नहीं इनको पूछो। आपका भी हो सकता है ना, नहीं आप ये कह देखिए, अगर आप ये कह रहे हैं कि आपका वोट जाएगा, आपके पूरे घर का वोट बीएसपी को, आपका वोट एएसपी को, तो आपको इतना तो क्लियर करना पड़ेगा ना कि वो झुकाव आपका क्यों है। युवा पार्टी है वो, युवा पार्टी है, पार्टी युवा या उनका काम जो देखते हो उससे आप प्रभावित हैं? काम भी बढ़िया है उनका, काम अच्छा उनका, दलितों के प्रति। आप तो वोट काट रहे हो बीएसपी। आप बताइए, ये बीएमपी के आप समर्थक हैं आपने बताया, तो आपने बीएमपी को क्यों चुना? हमारे अंकल जी पर्चा भरने गए, उनको ही वोट देंगे। अच्छा, आपके परिवार से है जो प्रत्याशी है? आप तो नेता जी है फिर, है तो इनकी तो मजबूरी है कि इनके परिवार से जो है बीएमपी के प्रत्याशी हैं। आप बताइए, नहीं वोट नहीं है, वोट आपकी अगली बार, लेकिन आपकी जो सोच है वो आपकी सोच जो है हम उस पर बात करना चाहेंगे। क्यों आपको लग रहा है राजनीतिक तौर पर अच्छा काम करेगी बीएसपी, आगे युवाओं के साथ रहेगी? मायावती तो नहीं ना आते
नहीं वो देखो पुरानी प्रथा चली आ रही है बीएसपी जातिवाद है, रो है। जो बीएसपी में जातिवाद है वो नहीं नहीं वो नहीं मतलब जातिवाद नहीं, जैसे कोई दलित होता बीएसपी को जाता है वो नॉर्मल से शुरू तो चला रहा है वो वैसे ही चल रहे हैं, पर हमको ईएसपी ठीक लगती है। आपको ईएसपी ठीक लगती है? ईएसपी हाँ, आगे देखा जाएगा जो होगा। आप बताओ जी। जी सर बोलो, क्यों आपने बीएसपी को छोड़ करके ईएसपी को चुना? देखो जी ईएसपी है युवा संगठन, हम युवा संगठन, युवा संगठन तो भीम आर्मी है, राजनीतिक दल उनका जो है वो एएसपी है। ठीक, बात वोट की कर रहे हैं आप, सामाजिक स्तर पे उनका समर्थन करते हैं आप? नहीं, आपके काम बहुत सारे करते हैं लोगों ने बताया, लेकिन आपने वोट की भी बात की। बहुत लोग कह रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद के तो वोट ही नहीं है, बहुत लोग कह रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद वोट काट देंगे, तो वही चीज हम थोड़ा सा जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर जमीनी हकीकत क्या है। आप युवा हैं इसलिए आपसे मैंने सवाल किया। हम युवा हैं इसीलिए चंद्रशेखर भाई को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो युवा संगठन है और मैं नहीं, मेरे सबरे युवा बच्चे हैं चंद्रशेखर की। ग्रुप कितना बड़ा है, कितने लोग हैं आप यहाँ पे? अब यहाँ तो मैं बताएंगे तो है नहीं ये, क्योंकि नुकेंगे डर लग रहा है यार, जा बता दूंगा तो बीएसपी बारे तो तुम्हें पता तो होता है राजनीति की। देखिए कहीं ना कहीं युवा जो है वो दबी आवाज में ये बोल रहे हैं, खुल के नहीं बोलना चाहते, क्योंकि मैं कहूँगा सहयोगी से एक बार दिखाएं, यहाँ पर गांव के तमाम लोग हैं जो कि सारे बीएसपी के सपोर्टर हैं, लेकिन उनके बीच में हमें चंद्रशेखर आज़ाद के भी यहाँ पर सपोर्टर मिले जो कि युवा हैं, वो दबी आवाज़ में कह रहे हैं, खुल कर के नहीं बोलना चाह रहे हैं कि अगर हम खुल के बोलेंगे तो हमारी बात ओपन हो जाएगी और परिवार वाले हम पे दबाव बना सकते हैं कहीं ना कहीं। तो परिवार की वोट बीएसपी को है, लेकिन जो युवा पीढ़ी है उसका झुकाव थोड़ा बहुत तो जो है चंद्रशेखर आज़ाद की तरफ ज़रूर है।